यहाँ तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से जो हैदराबाद पार्लियामेंट टिकट के ताल्लुक से शहबाज अहमद खान को देने का मुताबला करते हुए हम तमाम एन आर की तरफ से यहाँ याकूत प्रकाश नशी में संतोष नगर डिवीजन ऑफिस पर जो मीटिंग मुनक्द करें वो शहबाज अहमद खान के हक़ में जो है टिकट दिए बाबू साहब से अपील कर रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने 30 साल से पार्टी में वर्क कर रहे हैं और 2 बार माइनॉरिटी सेल के सदस्य भी रह चुके हैं, स्टेट आंध्र प्रदेश तेलुगु योद्धा के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आज तक बाबू साहब उनको कोई पोस्ट नहीं दिए, कोई टिकट नहीं दिए, उन्होंने मुताबला नहीं करें। जिनको टिकट दिया गया था वो लोग टिकट लेके घरों में बैठ गए। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्करी थे, चेयरमैनशिप लिए, MLC लिए, घर में बैठे खुद की अपनी याकूत प्रकाश नशी के MLA भी थे उन्होंने, और कभी कोई मुस्लिम के लिए काम नहीं करे, कोई पार्टी का नाम रोशन नहीं करे, कोई कारपोरेटर नहीं जिताए, ना ही कोई उर्दू अकादमी के स्कूल खोल लिया। आप चेयरमैन थे खुद अली मस्करी को टिकट दिया गया, ओल्ड सिटी इंचार्ज ऑफिस बनाया गया, लेकिन कोई पार्टी का वर्कआउट नहीं है, एक धरना नहीं है। चार मीनार पर तारीख है कि शहबाज अहमद खान अपनी वर्कआउट में अपने वर्क में 20 धरने दिए हमें अगेंस्ट, जो ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमानों के लिए बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए तेलुगुदेशम पार्टी के लिए जितना जरूर कर रहे हैं हमेशा। और तमाम मेरे भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सबका यही बाबू साहब से मुताबला है कि वो टिकट शहबाज अहमद खान को हैदराबाद पार्लियामेंट टिकट दे ना देने की सूरत में हम तमाम 200 मेंबर्स माइनॉरिटी सेल कमेटी हैदराबाद के बाबू साहब के घर पर धरना देंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे। मेरी आवाम से भी अपील है वो और आवाम की भी गुजारिश है बाबू साहब से कि वो शहबाज अहमद खान को टिकट दे, नौजवान है और पार्टी के वफादार हैं, शेर दिल है, नौजवानों को लेकर चलने की आपने आदत है और पार्टी को बाखूब जानती है। आप इसकी इंक्वायरी कराइए, अकबर सलीम को टिकट दिया गया, उन्होंने कभी कोई मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे, हैदराबाद में एक सेल्फ धरना नहीं दिए, ना ही अली मस्खती दिए, इब्राहिम अब्दुल्ला मस्खती नहीं दिए, खाली पार्टी के नाम पे जिए, पार्टी के नाम पे लोग पैसा कमा लिए और अपने घरों में बैठ गए। बाबू साहब से मेरी गुजारिश है वो इसकी इंक्वायरी कराए इन लोगों की, जिसको टिकट दिया गया था, जिसको चेयरमैनशिप दी गई थी, MLC दी गई थी, वो तारीख उठा के देख लेंगे तेलुगुदेशम के लिए वो क्या काम करे। मैं माइनॉरिटी सेल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे जूनियर अली जनरल सेक्रेटरी है, मैं रहीम साहब, अलीम साहब, हुसैन साहब, ये सब आप सब बाबू साहब से मुताबला कर रहे हैं कि वो बाबू साहब जो है खुसूसन गौर करें, पार्लियामेंट का टिकट शहबाज अहमद खान को दें। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीज़न संतोष नगर में प्रेस मीट लगाई गई है, जिसके अंदर ऐसा वाइस प्रेसिडेंट सलीम साहब, मई जनरल सेक्रेटरी जुनेद अली और ऐसा रहीम साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमीर साहब, हुसैन और ऐसा हमारे तमाम माइनॉरिटीज़ के लीडर यहां पे मौजूद है। हम यही डिमांड करते हैं कि नाना चंद्रबाबू नायडू साहब से कि इस बार ऐसा हैदराबाद लोकसभा की सीट ऐसा शहबाज अहमद खान को देना चाहिए, क्योंकि शहबाज अहमद खान से जो मुसलमानों के जबकि उन्होंने सिटी में घर रखे ऐसा ओल्ड सिटी में मुसलमानों को 16 असेंबली हल्कों में हर वो मसले जब मुसलमानों के ऊपर आते हैं तो शहबाज अहमद खान बिना मज़हब काम करते हैं, और आधी रात को कोई अगर फ़ोन करता है तो उन्होंने ऐसा बिना मज़हब ऐसा किसी के मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं माइनॉरिटी लीडर्स के साथ। और हमारे 200 माइनॉरिटी लीडर्स की कमेटी है वो 200 मेंबर्स का भी ये कहना है कि शहबाज अहमद खान को हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट देना चाहिए। और ऐसा आप देखिए अली मस्खती साहब के वालिद को ऐसा जब MLC दी गई थी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन दिया गया था, लेकिन उन्होंने ओल्ड सिटी में रहकर खुद खिदमत अंजाम नहीं दी है, जबकि शहबाज अहमद खान ऐसा एक वाहिद लीडर है जो मुसलमानों के माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन में जब घपला हुआ था जब ऐसा 56 करोड़ रुपये का, तो ऐसा शहबाज अहमद खान और हमारे सिंगी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी साहब की हिदायत पे हम लोगों ने धरना मुनज्जम किया था। और परसों हाल ही में ऐसा लोन्स की जब आखिरी तारीख थी तो लोग ऐसा हर जगह फिर रहे थे, जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्पेशल ऑफिसर से बात करके ऐसा शहबाज अहमद खान डेट बढ़ाने लगाए थे, लेकिन आज तक वो लोन किसी को नहीं मिला। ये कांग्रेस के कायदीन ऐसा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, और इस बार ऐसा हम मुतालबा करते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट पर तेलुगुदेशम पार्टी का कब्जा होता और BJP TDP अलायंस जब हो रही तो हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट ऐसा अलायंस में नहीं देना और सिकंदराबाद नहीं देना, क्योंकि ऐसा हैदराबाद लोकसभा सीट अगर दे देते अलायंस में तो MIM पार्टी फ्री हो जाती, फ्री हो के ऐसा TRS और कांग्रेस को सपोर्ट करके आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ऐसा सपोर्ट करती कांग्रेस को, TRS को। हम इसलिए डिमांड करते हैं कि तेलुगुदेशम पार्टी नाना चंद्रबाबू नायडू साहब से कि इस बार ऐसा हैदराबाद लोकसभा की सीट शहबाज अहमद खान को दीजिए।